हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पंचकुला में 3 बड़ी परियोजनाओं का उद्घाटन किया और जनता को समर्पित किया गया। साथ ही सीएम ने सेक्टर 14 में 9,51,00,000 रुपए की लागत से बनने वाले रोजगार भवन का भी उद्घाटन किया। यहाँ पंचकुला में रोजगार भवन का उद्घाटन किया गया है और इस रोजगार भवन को 2 साल पहले जब शिलान्यास का किया था तो समय के ऊपर ये पूरा हुआ। लगभग कितने पैसे इसमें लगे हैं? 9 करोड़ रुपए की इसकी लागत आई है। और यहाँ एक प्रकार के जिसे पंचकुला में अन्य विभागों के डायरेक्टरेट भी बने हैं तो उसमें रोजगार भवन एक रोजगार कार्यालय बना करके ये एक नया एक प्रारंभ हुआ है। प्रदेश में कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर सीएम ने कहा कि कोरोना मैनेजमेंट ग्रुप लगातार कोरोना की स्थिति पर नजर बनाए हुए है। अलग प्रदेशों ने अपने अपने तरीके से योजनाएं बनाई हैं। अभी जैसे बाकी प्रदेशों ने लॉकडाउन का कुछ 2-2 दिन का 3 दिन के अपने कार्यक्रम बनाए, हमने भी खास करके गुरुग्राम और फरीदाबाद में अग्रेसिव कंटेनमेंट जोन्स ये आज से 10 दिन पहले योजना बनाई थी और उनके जहाँ जहाँ संख्या ज़्यादा है इस प्रकार के संक्रमित लोगों की, ऐसे क्षेत्रों को इंटेंसिव उस प्रकार के जो अग्रेसिव कंटेनमेंट जोन बना करके हर प्रकार की वहाँ स्क्रीनिंग करना, लोगों के आने जाने के ऊपर थोड़ा सा रोक लगाना ताकि वो फैल ना सके, ये उन्हें पहले से किया हुआ है। फिर भी हम रोज़ाना हमारा जो मैनेजमेंट ग्रुप कोरोना मैनेजमेंट ग्रुप है उसकी मीटिंग होती है, इस पर विचार करेंगे कि और सख्ती करने से अगर कुछ लाभ हो सकता तो जरूर करेंगे। वहीं हरियाणा में बीजेपी के नए प्रदेश अध्यक्ष के सवाल पर सीएम ने कहा कि वो हर तरीके से तैयार हैं लेकिन आखिरी फैसला दिल्ली से ही होगा। हम हर दृष्टि से तैयार हैं लेकिन जिन्होंने नियुक्त करना है ये बात उनकी है कि कब वो नियुक्त करेंगे, उनका काम है एक बार जाकर के दिल्ली चक्कर मारा या। आने वाले समय में इस रोजगार भवन से युवाओं को जॉब दिलाने में बड़ी सहायता मिलेगी, साथ ही रोजगार पोर्टल और मिस्त्री हरियाणा पोर्टल से प्रदेश के लोगों को बड़ा लाभ मिलेगा। पंचकुला से अनिल मोर, खबरें अभी तक।